तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके पास साइन इनवर्स जो भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप करोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसे सिंप्लीफाई करोगे। अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। तो जो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़े होंगे तो फार्मूला देखिए, ये हो गया दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा यहाँ से क्या है आपका, थीटा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया कि हम लोग साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रूव किया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपके पास टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है। टेन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है ये इजीली इंटीग्रेबल नहीं होता है, या ये किसी का एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं मौजूद होता है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे बाई पार्ट आपको लगाना पड़ेगा। 1 हम लोग यहाँ पे इनटू में लिख लेंगे, 1 हमारा क्या हो गया, एलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आइलेट में जैसा हम लोग जानते हैं, आइलेट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपका एलजेब्रिक फंक्शन है 1। इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट एज्यूम करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में वो पहले आता है, और दूसरे नंबर पे ए मतलब एलजेब्रिक आता है, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। इसके बाद बाई पार्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या होता है आपके पास 2 टाइम्स ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब आपका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, फिर ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान है, एक्स हो जाएगा, तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, और 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स इंटीग्रल आ गया डी एक्स। एक और इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, इसको अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, इस एक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऑब्जर्व करिए क्या होगा। नीचे वाले का जो डेरिवेटिव होगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हमारे पास है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म हो गई। नीचे एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, एफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर जो भी है, लेकिन मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। और बाकी ये ऊपर से कॉपी कर लीजिए, तो 2 बाहर है आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स पहले लिख लेते हैं। इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2x, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।